हार्दिक पांड्या को रवि शास्त्री ने कमाल की सलाह दी है। अगर इस ऑलराउंडर ने उनकी बात मान ली तो वो कहीं ना कहीं हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को गलत साबित कर देंगे। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को पूर्व हेड कोच और मशहूर कमेंटेटर रवि शास्त्री ने गजब की सलाह दी है। रवि शास्त्री ने एक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए कहा कि हार्दिक पांड्या को ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेलने चाहिए। अगर वो मैच फिट हैं तो उन्हें आराम ना लेकर मैच फिटनेस बरकरार रखनी चाहिए, इससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा। शास्त्री ने कहा कि मुझे लगता है कि फिटनेस काफ़ी अहम होती है। जहाँ भी T20 क्रिकेट हो, पांड्या को वहाँ उतरना चाहिए, और अगर उन्हें लगता है कि वो फिट और मजबूत हैं तो उन्हें वनडे मैच भी खेलने चाहिए। रवि शास्त्री ने कहा कि हार्दिक पांड्या से अच्छा उनकी बॉडी को कोई और नहीं समझता और उन्हें उम्मीद है कि ये खिलाड़ी फिटनेस में और सुधार करेगा। शास्त्री ने आगे कहा कि पांड्या ने जिस तरह का प्रदर्शन वर्ल्ड कप में किया, जिस तरह से वो सही समय पर टीम इंडिया के लिए चमके, ये उन्हें और ज़्यादा प्रेरित करेगी। रवि शास्त्री चाहते हैं कि पांड्या अपनी फिटनेस को और सुधार कर वनडे में 7 से 8 ओवर फेंकें, और बल्लेबाजी तो इस ऑलराउंडर की कमाल ही है। रवि शास्त्री की सलाह अगर हार्दिक पांड्या ने मान ली तो यकीनन ये उन लोगों का जवाब होगा जिन्होंने उनकी फिटनेस पर सवाल उठाकर उन्हें टीम इंडिया का T20 कप्तान नहीं बनने दिया। टीम इंडिया की T20 वर्ल्ड चैंपियन जीतने के बाद हार्दिक पांड्या का कप्तान बनना तय माना जा रहा था, लेकिन नए हेड कोच गौतम गंभीर, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने सभी को चौंकाते हुए सूर्य कुमार यादव को T20 कप्तान बना दिया। इसकी वजह उन्होंने हार्दिक पांड्या की खराब मैच फिटनेस बताई थी। उनके मुताबिक हार्दिक पांड्या हर सीरीज में उपलब्ध शायद ना रहें, ऐसे में वो एक ऐसे खिलाड़ी को कप्तान बनाना चाहते थे जो हर सीरीज में खेले। हालांकि ये सच्चाई भी है, अगर देखा जाए तो हार्दिक पांड्या की पिछले कुछ सालों में फिटनेस उतनी अच्छी नहीं रही है जितना शायद उनके पहले होती थी, क्योंकि हार्दिक पांड्या बहुत बार चोटिल हुए हैं, बहुत बार उन्होंने कई मेजर टूर्नामेंट मिस करे हैं, जिसके चलते हार्दिक पांड्या की फिटनेस पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि अभी हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से IPL 2024 पूरा खेला, T20 वर्ल्ड कप 2024 पूरा खेला, और उसके बाद भी अब जिस तरह से श्रीलंका दौरे पर वो खेल रहे हैं या उनकी फिटनेस है, ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने अपनी फिटनेस पर बहुत ज़्यादा काम किया है, और अब माना जा सकता है कि शायद अब हार्दिक पांड्या फिटनेस के मामले में जो उनका पुराना हिस्ट्री रहा है, जो पुराना इतिहास रहा है, उसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि हार्दिक पांड्या की फिटनेस लगातार बनी रहे, क्योंकि भारत के लिए हार्दिक पांड्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ T20 में बल्कि वनडे में भी, और उम्मीद करेंगे कि आगे जाकर वो टेस्ट क्रिकेट में भी अपना लोहा मनवाए और भारत के लिए फिर से टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू करें। अब देखना होगा कि भाई हार्दिक पांड्या की फिटनेस किस तरह की रहती है, और आगे आने वाली सीरीज़ में जहाँ पर हार्दिक पांड्या बहुत अहम रोल निभाएंगे, वहाँ पर हार्दिक पांड्या का रोल किस तरह से रहता है।